नमस्कार, हमारे चैनल अवधेश कुमार पर आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही एडुकेशनल वीडियो है। ये आज का वीडियो हम पहले डेडिकेट कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान के प्रशंसक हैं, उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है बुलंद खेल। वो शिकार, कैंपिंग और ट्रैवल पर वीडियो बनाते हैं और वो मिडिल ईस्ट में रहते हैं, अब्बास जी उनका नाम है। ये वीडियो उनको डेडिकेट कर रहे हैं और बना रहे हैं। एक चैनल है वीरभद्र वेपन क्लास, वीरभद्र जी का चैनल है, वो आरा के हैं और बाबू कुमार सिंह के फैमिली से, मैंने खानदान से रिलेटेड है और बहुत ही टैलेंटेड आदमी है शूटिंग वर्ल्ड में। लेकिन दिक्कत उस आदमी के साथ ये है कि कभी रिवॉल्वर चलाने लगता है, कभी तीर धनुष चलाने लगता है। हमने मना किया कि भाई तुम्हारे में ओलंपिक की पोटेंशियलिटी है, अगर यदि हमारा दिमाग और आंख धोखा नहीं खाता है तो उस आदमी में ओलंपिक की पोटेंशियलिटी है। लेकिन वो आदमी जो है सो सीरियस नहीं है इस मैटर में, हालांकि बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। तो उन्होंने एक कंडूर एयर राइफल पर वीडियो बनाया है, आज से दो दिन पहले अपलोड किया है। तो उसमें जो है सो उन्होंने एक प्रश्न छोड़ दिया कि ये अवधेश चाचा इसका बताएंगे, और प्रश्न छोड़े कि भाई ग्रुप जो है राइफल का वो एक ही सीक्वेंस में, ठीक आ रहा है नज़र, एक ही सीक्वेंस में चलाया गया, एक ही जगह से, एक ही वेपन, एक ही टाइम, तो एक ग्रुप ऊपर आ गया, एक ग्रुप नीचे या बगल में आ गया, क्यों? इसका जवाब अवधेश चाचा देंगे। तो ये आदमी तो हमको फंसा दिया, तो हम इसका जवाब जानते हैं। ये चालू टाइप के मैंने गुरु से पूछिएगा तो कहेगा ये फ्लायर है। नहीं, ये न्यूरो मसल मेमोरी से रिलेटेड डिफेक्ट है। आप शूटिंग कर रहे हैं, आपका न्यूरो मसल एक सीक्वेंस में आ गया, एक मेमोरी में आ गया, ये आपको कंट्रोल कर रहा है, आपके मसल्स को भी, आपके शूटिंग को भी। आपने तर 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 तीन चलाया, उसके बाद बगल में कोई आ गया, उसका पैर का ठोकर लग गया आपको, या कहीं से कोई डिस्टरबेंस हो गया, कहीं से कोई चिड़िया पास कर गया, या कहीं से कोई चीज गिर गया, टन से आवाज किया और आपका ध्यान भट गया। कैमरा का एंगल खराब है, कोई फ्लैश चला दिया, आपका ध्यान बटा। जैसा ही ध्यान बटा, आपका न्यूरो से आपके मसल्स का कनेक्टिविटी खत्म हो गया। यहाँ आपका बॉडी और आपका अंगुली, ये तीनों से कनेक्टिविटी खत्म हुआ और आप तो शूट करना शुरू किया। तो फिर नए कंटिन्यूटी में आया, बगल मार देगा, थोड़ा इधर मार देगा, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सेंटीमीटर का होता है डिफरेंस। लेकिन हाँ, आज के मैच में सेंटीमीटर मतलब मैच से आउट। तो ये न्यूरो मसल मेमोरी का सब्जेक्ट है। दूसरा, आप राइफल स्कोप यूज कर रहे हैं, आपने रेंज फाइंडर में देखा कि टारगेट की दूरी जो है सो 31 गज है, आपका राइफल 50 मीटर के लिए पैरालेक्स एडजस्ट किया हुआ है, चाहे कंपनी से हो या पैरालेक्स एडजस्टेबल है, तो आपने 50 मीटर पर एडजस्ट करके रखा। तो जो 50 मीटर पर एडजस्ट करके रखा, तो 40 के पीछे और 60 के बाद जो आपका होगा वो पैरालेक्स रहेगा, विजिबिलिटी में नहीं आए लेकिन रहेगा, और जरा सा एंगल विजिबिलिटी माना ऑकुलर लेंस में चेंज किया, जरा सा ऐसे हुआ, जरा सा कैंट हुआ, ये हुआ वो हुआ,
आपका ग्रुप नीचे भागेगा, दायां भागेगा, बायां भागेगा, ऊपर जाएगा। ये राइफल स्कोप के साथ ये प्रॉब्लम है। प्लस अब कैंटीन आप चला रहे हैं, रेस्ट पर रख करके, ट्रिपॉड पर रख करके, फायर हुआ, रिकॉइल हुआ, जरा सा राइफल हिला, आपने उसको, आपका तो ध्यान क्रॉस वायर के सेंटर पर है, लेकिन आपका राइफल हल्का भी केंट कर गया, मतलब 5 डिग्री, 3 डिग्री से 5 डिग्री भी गोली बगल मारने लगेगा, नीचे डाउन बगल, ये इस स्थिति में मारने लगेगा, ऐसे मारने लगेगा, इधर मारने लगेगा, ग्रुप हो जाएगा, आप परेशान हो जाइएगा। तो ये दो चीज हुआ। तीसरा जो है, अब बिग बोर में आइए, क्या प्रॉब्लम होता है। पहला प्रॉब्लम होता है एंटीसिपेशन ऑफ डिस्चार्ज, माने गोली निकल रहा है, उसके एंटीसिपेशन में आपका ये न्यूरो मसल मेमोरी का तार टूट गया, गोली आपका नीचे ऊपर चला गया। अब रिकॉइल का आपको डर है, हैवी बोर में बहुत ज्यादा रिकॉइल होता है। हमारे जमाने में तो SLR से हम प्रैक्टिस करते थे शूटिंग, तुम पूछिए मत, उसमें तो पीतल का प्लेट रहता था, ओह क्या कष्ट होता था सो हम जानते हैं। उस जमाने में गोली भी बहुत चलवाता था, हर पोजीशन में 200 गोली, माने दुर्गति हो जाती थी, और रिकॉइल भी वैसा ही होता था। तो उसका जो एंटीसिपेशन होता है रिकॉइल का, देख कैच दिया ऐसे करके, तो आपका गया निशाना, चला गया। तीसरा एक जबरदस्त चीज है शूटर के लिए, आप चलाए, आपका 10.9 में गोली लगी, और आप डिजिटल साइट से हो या बायनाकुलर से हो, आपने देखा, और अगला जो शॉट होगा गारंटी आपका खराब होना है। आपका मन में तो लड्डू फूटने लगा, लिंक टूटा, मसल मेमोरी आपका लॉस में गया, खत्म, लिंक टूटा, वो गोली जो है जो एक नंबर रिंग में जाएगा। आप टेस्ट करके देख लीजिए, ये हमारा आजमाया हुआ है। तो हम जब भी शूटिंग करते हैं, साइटर शॉट चलाए, उसके बाद दूरबीन को उठा के इधर फेंक दिया, डिजिटल साइट है उस पर अपना रुमाल ढक दिया जो कि उस पर नजर नहीं पड़े, और उठाए और भगवान का नाम लिया, देते चले गए। तो ये बेसिक चीज है। वीरभद्र जी ने हमको फंसा दिया, अब स्थिति ये हो गई कि हमको रोज शॉट हो मैसेज आ रहा है कि इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। तो खैर भाई, हम जवाब दे दिए, अच्छा लगा। ये सब गूगल में खोजिएगा, नहीं मिलेगा, यह बहुत घाटने पर मिलता है। तो चलिए, आज का वीडियो इतना ही, थैंक्स।